नमस्कार, मैं सीएस सिंह एक बार फिर से आप लोग के लिए साइंस का सेकंड टेस्ट लेकर आ रहे हैं। और ये जो टेस्ट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो इसमें आपको बहुत मदद करने जा रहा है। तो देखिए कि अगर आप लोग को मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो इसको और भी विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करवाइए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हम लोग को हौसला मिलता है और हम आपके लिए और जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि आपको और अच्छा से अच्छा डिस्कशन दिया जा सके। तो चलिए, क्योंकि एग्जाम बहुत निकट है, हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपके लिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला टेस्ट है, मानी कि आज का जो टेस्ट है उसका पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ इमारत से ऊर्ध्वाधर गिराई गई वस्तु के दूरी समय परिवर्तन को दिखाता है। तो दूरी समय परिवर्तन को कौन सा ग्राफ दिखाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा, तो देखिए, दूरी समय परिवर्तन का मतलब समय के साथ वस्तु का कितना दूरी बदला, ये आपको बताना, इसमें कौन सा ग्राफ दिखा रहा है। एक बात सोचिएगा, बहुत सिंपल सा बात, कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे अगर हम इसको गिराते हैं तो दो बातें होती हैं। पहला, इसकी दूरी बढ़ते जाएगी, और कहां से, जहां से फेंके वहां से, मतलब पहले यहां था, फिर एक सेकंड के बाद मान लो यहां पहुंचा, एक सेकंड के बाद यहां पहुंचा, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी, नंबर एक। तो पहला बात हो गया, दूरी बढ़ेगा। दूसरा बात हो गया कि इसका वेग भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रहा है, पृथ्वी इस पर गुरुत्वीय त्वरण लगा रहा है, तो ये इसका वेग बढ़ेगा। और अगर वेग बढ़ा, इसका मतलब वेग का परिमाण बढ़ा, वेग बढ़ा मतलब वेग का परिमाण बढ़ा, और वेग का परिमाण बढ़ने का मतलब चाल बढ़ा, क्योंकि वेग का परिमाण को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। बहुत सिंपल बात है। अब ध्यान से देखिए इस चार ग्राफ में, अच्छा एक बात और बताना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि दूरी समय ग्राफ में याद रखिएगा कि ये जो टैन थीटा होता है ना, टैन थीटा दूरी समय ग्राफ में, टैन थीटा ये बतलाता है चाल, नंबर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दूरी समय ग्राफ में टैन थीटा बतलाता है चाल। और दूसरा एक मैथमेटिकल बात बता रहे हैं कि अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो टैन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करता है। अब बोलिएगा कैसे, तो देख लीजिए, ये तो एलिमेंट्री बात है, इस क्वेश्चन से इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने में जरूर मदद करेगा। थीटा बढ़ा तो टैन थीटा बढ़ा, कैसे बढ़ा, देखो थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो टैन थीटा 0 होता है, थीटा 30 होता है, टैन 30 1/√3, तो देखो थीटा 0 से 30 हुआ तो टैन का वैल्यू 0 से 1/√3, उसी प्रकार 45 में 1 हो जाता है, 60 में √3 हो जाता है, तो स्पष्ट पता चल रहा है कि थीटा बढ़ा तो टैन थीटा बढ़ा। तो अब आपको दो बातों के लिए चेक करना होगा, ये भी देखना होगा कि समय के साथ दूरी बढ़ रहा है, और ये भी देखना होगा कि समय के साथ चाल भी बढ़ रहा है। अब चाल कैसे बढ़ रहा है ये पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, समय के साथ दूरी भी बढ़ना चाहिए, समय के साथ चाल भी बढ़ना चाहिए, दूरी भी बढ़ेगा चाल भी बढ़ेगा समय के साथ। पहला ग्राफ में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, देखिए बहुत सिंपल सा बात बता रहा है कि जब समय 0 था तो दूरी मैक्सिमम है, मान लो कुछ भी है, सपोज कर लो कि हम ये वैल्यू को 10 से ले लेते हैं। अब 1 सेकंड के बाद मान लो ये वस्तु यहां पर पहुंच गया, तो ये 1 सेकंड ये दिखा रहा है, तो 1 सेकंड में ये कहां पर बता रहा है, यहां पर बता रहा है, ये देखो, ये इसका मतलब कि 1 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस और कम हो गया, और कुछ समय बाद और क्या हो गया, और कम हो गया, तो ये तो भाई गलत, क्योंकि समय के साथ दूरी बढ़ना, ये तो समय के साथ दूरी घटा दिया, 0 पर बता रहा है समय पर इतना है, 1 सेकंड पर बता रहा है कि कम हो गया, 2 पर और कम हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो ग्राफ कभी हो नहीं सकता है, ये खत्म। बी नंबर में देखिए, ये बिल्कुल सही है, कैसे पता चल रहा है, देखिए समय 0 है तो दूरी भी 0 है, जब समय थोड़ा बीत गया तो दूरी भी देखिए यहां पर आ गया, ये दूरी बढ़ गया, जब समय और आगे बढ़ा यानी कि और टाइम बीता तो देखिए दूरी भी और ज्यादा हो गई, तो समय बढ़ता जा रहा है दूरी बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छा चीज हो गया, ये बात सही है। सेम टाइप इसमें देखिए, यहां पर भी यही बात है, समय 0 पर दूरी 0, समय थोड़ा सा ज्यादा लिए मतलब 1 सेकंड मान लो, तो यहां पर ये पहुंच गया यहां पर, और कुछ समय के बाद यहां पहुंच गया, इसमें भी देखो एस का वैल्यू बढ़ रहा है वाई एक्सिस में, इसमें भी सेम बात हो रहा है, 0 है, बढ़ते गया बढ़ते गया, तो ये तीनों ग्राफ हो सकता है, पहला तो कभी नहीं होगा, एक बात तो क्लियर, क्यों,
क्योंकि इसमें बता रहे हैं समय के साथ दूरी घट रही है, इसमें 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 बढ़ रही है। अब तो तीन बात सेम हो गया, अब कैसे पता चलेगा चाल बढ़ना चाहिए? चाल कौन बतलाएगा? टैन थीटा। और टैन थीटा कैसे पता चलता है? तो थीटा से। अब देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है ना कि समय के साथ थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है। देखो कैसे पता लगाते हैं, यहां से एक लाइन यहां खींच देना, फिर यहां कर देना। अब यहां पर एक ट्राइंगल बन गया, तो ये एंगल हो गया थीटा। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, इस टाइम पर आ जाओ, तो देखो थीटा का वैल्यू और बढ़ गया। और आगे बढ़ो तो थीटा का वैल्यू और बढ़ गया। इसका मतलब इस ग्राफ में पता चल रहा है थीटा बढ़ रहा है, टैन थीटा बढ़ रहा है, चाल बढ़ रहा है। याद रखना ये ग्राफ ही आंसर है, बी नंबर। कैसे? दूरी भी बढ़ रही है, चाल भी बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है ना कि थीटा का वैल्यू, लाइन जब स्ट्रेट होता है तो थीटा का वैल्यू कांस्टेंट होता है, मतलब नियत रहता है। थीटा का वैल्यू कांस्टेंट मतलब यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये हो नहीं सकता है। इसमें आ जाइए, इसमें क्या कहानी है, इसमें देखिए कि थीटा का वैल्यू क्या होते जा रहा है। ध्यान से देखो थीटा का वैल्यू घटते चल जा रहा है। पहले एंगल कितना है ये, फिर क्या हो गया ये, फिर क्या हो गया ये, मतलब धीरे धीरे पहले बड़ा एंगल है, फिर छोटा एंगल है, ये वाला छोटा एंगल है, फिर और छोटा एंगल है। तो समय के साथ थीटा का मान घटता चल गया। तो याद रखिए कौन सा ग्राफ इमारत से ऊर्ध्वाधर गिराई गई वस्तु के दूरी समय परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा? आंसर होगा बी। और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ सीरियस वे में पढ़ना है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो फिर दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को कहिए कि वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि उनके भी कंसेप्ट्स और क्लियर हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वह ग्रुप डी का साइंस के लेवल के हिसाब से ही सेट किया गया है। ग्रुप डी में साइंस का अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और आपकी तैयारी अगर अच्छी करनी है तो फिर आप इसको ध्यान से देखिए, और अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम है नहीं हम लोग के पास, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दो का, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो भी देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, दम जानदार सा है, और इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस गोला है, एक डिस्क है, एक वलय है, जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या समान है। याद देखिएगा कि गोला जो है ना, डिस्क और वलय तीनों का क्या है कि मास और रेडियस समान है, और वलय, वलय का मतलब होता है रिंग, ठीक है, डिस्क का मतलब होता है चकती, चकती का मतलब सिक्का, गोला का मतलब समझ लो कि ठोस गोला है तो समझ लो लड्डू, और क्या समझा। तो गोला हो गया, डिस्क हो गया और रिंग हो गया, यानी सॉलिड स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया और रिंग हो गया, और इनका मास तीनों का सेम है, रेडियस सेम भी सेम है, त्रिज्या कह रहे सेम है, घर्षणहीन आनत तल के नीचे समान ऊंचाई से एक साथ लुढ़कते हैं। अब आनत तल का मतलब भैया इंक्लाइंड प्लेन होता है, ध्यान से समझ लो, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब झुका हुआ तल, ऐसा वाला तल। राजेंद्र नगर पुल को देखिए, एक तरफ से वो सबसे ऊपर पे चढ़िएगा, इधर से भी स्लोप है, इधर से भी स्लोप है, तो इसको इंक्लाइंड प्लेन कहता है। बचपन में देखे होंगे इंक्लाइंड प्लेन, उस पर आप थोड़ा सा मस्ती भी किए होंगे, ऐसे चढ़ जाते होंगे ऊपर, यहाँ पे सीढ़ी बना रहता था, और एक छोटा बच्चा इस पे चढ़ गया है ना, ये बच्चा थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं, और ये इस पे ऐसे फिसल जाता था, तो ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये एंगल हो गया मान लो थीटा, तो ये जो तल है ये झुका हुआ है, इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। चलिए ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन तो आपको समझ में आ गया। अब आगे का बात कर लेते हैं, आगे का बात क्या कहता है देख लीजिए, आगे का बात कहता है कि समान ऊंचाई से एक साथ लुढ़काया गया, मतलब यहां से ये समान ऊंचाई है, सपोज कर लीजिए ये समान ऊंचाई है और ये समान ऊंचाई h है, यहां से आपने गोला को भी लुढ़काया, यहां से आपने बेलन मन की डिस्क को भी लुढ़काया और रिंग को भी लुढ़काया, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? बोला डिस्क सबसे पहले पहुंचेगा, गोला सबसे पहले पहुंचेगा, वलय सबसे पहले पहुंचेगा, कि सभी एक साथ तली पर पहुंचेगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यानी जड़त्व आघूर्ण का। इस प्रकार के प्रश्न में आपको याद रखना है और यह जानना है कि जिस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होगा, क्या बोल रहे हैं, जिस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, वही
सबसे ज्यादा एक्सलरेट होगा, उसी का त्वरण सबसे ज्यादा होगा। और जिसका त्वरण सबसे ज्यादा होगा, जिसका त्वरण सबसे ज्यादा होगा वही सबसे पहले पहुंचेगा। जिसका त्वरण सबसे ज्यादा होगा वही सबसे पहले पहुंचेगा, यानी की कंसेप्ट क्या कहे, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट का मतलब जो सवाल बनाने में मदद करेगा वो ये है कि न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण वाला, न्यूनतम आई, आई का मतलब समझ लो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया को आई कहते हैं। न्यूनतम आई जिसका होगा पहले पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा। और यह भी याद रखना क्यों पहले पहुंचेगा, क्योंकि क्या बोलोगे, क्योंकि उसका त्वरण मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। क्योंकि उसका, अब मान लो कि अगर ये क्वेश्चन पूछता कि किसका त्वरण सबसे अधिक होगा, तो ए को हम लोग लिखते हैं ए, तो उसका त्वरण मैक्सिमम, देख लो भैया मैक्सिमम होगा। ये बहुत अच्छा बात है, इसको तुम याद रख रहे हैं। जिसका आई मिनिमम वो पहले पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अब आपको क्या करना है ना कि वस्तुओं का मोमेंट ऑफ इनर्सिया याद रख, कम से कम आज तो कम से कम तीन याद कर लीजिए, इतना दिन से तो पढ़िए रहे थे अभी तक तो याद हुआ नहीं। चलिए धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके याद कर लीजिए। अब देखिए किसका किसका आप याद रखिएगा, पहले याद रखिए ठोस गोला का। देखो ठोस गोला यानी सॉलिड स्फीयर, सबसे पहला ठोस गोला का याद रखो। दूसरा किसका याद रख लो, डिस्क का, और डिस्क का भी याद रख लो। और तीसरा किसका याद रख लो, रिंग का। अब बोल रहे हैं कि तीन को याद रखेगा तो दो को हम और याद करवा देंगे, कैसे करवाएंगे देख लो। ठोस गोला का सबसे पहले याद रखो 2/5, ये तो बहुत जरूरी है, तो हमेशा याद रहना चाहिए, ये सब भुला जाएगा ना फिर दिक्कत है। 2/5 mr². वीडियो को अगर पॉज करके लिखना है तो लिख लेना, ठीक है ना। और डिस्क का अगर पूछेगा तो इसका बोलना mr² / 2, mr² / 2। रिंग का बोलेगा तो mr². अब देखो तीन गो का याद हो गया, किसका किसका बोले, ठोस गोला का 2/5 mr², डिस्क का mr² / 2, रिंग का mr². अब एक बात सुनो, रिंग का मतलब तो समझ गया होगा है ना, बोले बहुत सारा रिंग को अगर जोड़ दोगे तो खोखला बेलन हो जाएगा। अब बहुत सारा डिस्क, डिस्क मतलब सिक्का, बहुत सारा सिक्का को जोड़, अच्छा बहुत सारा चूड़ी समझो ना, चूड़ी होता है रिंग, तो बहुत सारा चूड़ी को जोड़ देंगे, बहुत सारा चूड़ी को जोड़ देंगे, ध्यान से सुनना, बहुत सारा चूड़ी को जोड़ देंगे तो खोखला बेलन तैयार हो गया, उसका हो जाएगा कितना mr². तो देखो रिंग का याद हो गया तो खोखला बेलन भी हो गया। अब बहुत सारा डिस्क, डिस्क का मतलब सिक्का, बहुत सारा सिक्का को जोड़ दिए तो ठोस बेलन बन गया, बोलो उसका भी याद हो गया mr² / 2। अब देखिए 2/5, 1/2 और 1, इसमें कितना है 2/mr², mr² तो तीनों में कॉमन है। देखो इसमें भी mr² है, इसमें भी mr² है, इसमें भी mr² है। अब क्या है अंतर, अंतर है कि इसमें है 2/5, इसमें है 1/2 और इसमें है 1। बताओ सबसे कम किसका, सबसे कम 2/5 वाला ना, ये 2/5 है, ये 1/2 यानी 0.5, ये 2/5 यानी 0.4 और ये 1। देखो तो ये कितना है, इसमें आता है 2/5 यानी 0.4, ये 1/2 यानी 0.5 और ये आ गया 1। सबसे कम किसका हो गया, सॉलिड स्फीयर का यानी ठोस गोला का। तो ठोस गोला का जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम सबसे पहले पहुंचेगा, आंसर होगा गोला सबसे पहले तली पर आएगा। क्वेश्चन वेरी गुड हुआ, तो देख लीजिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। गोला है, डिस्क है, वलय है, द्रव्यमान तीनों का सेम था mmm, तीनों का रेडियस सेम rrr। अब वैल्यू पर डिपेंड करेगा, फिर से एक बार कह रहे हैं, जिस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होगा उसका त्वरण सबसे ज्यादा होगा और वही पहले पहुंचेगा। बात क्लियर, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है, अरे ये तो नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी हैं? देखो अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, पहला बात विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसके और किसके बीच है,
तो देखो सबसे ऊपर गामा, गामा के नीचे एक्स, एक्स के नीचे पराबैंगनी, पराबैंगनी के नीचे दृश्य, दृश्य के नीचे अवरक्त, अवरक्त के नीचे सूक्ष्म, सूक्ष्म के नीचे रेडियो। गामा से रेडियो तक ऊर्जा और आवृत्ति कम होती है। फिर से, गामा से लेकर रेडियो तक ऊर्जा और आवृत्ति कम होती है। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी, ये तीनों रेडिएशन शरीर के लिए, मनुष्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। सूर्य से तीन रेडिएशन अर्थ तक पहुंचता है और वो है अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। याद रखना अल्ट्रावायलेट डी नाम का कोई रेडिएशन नहीं है। तीन ही रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट ए है, बी है, सी है। इसमें सी, याद रखो, इसमें सी पूरी तरह से ओजोन एब्जॉर्ब करता है, ये पृथ्वी पर पहुंचता ही नहीं है। ये इसमें सी पूरी तरह से ओजोन के द्वारा अवशोषित होता है और ये पृथ्वी समताप मंडल में ओजोन परत है, ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है, ओजोन के द्वारा पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है और यही सबसे हानिकारक है। सबसे हानिकारक है, आंसर होगा सी। लगभग 95% विकिरण, लगभग 95% अल्ट्रावायलेट जो है, मतलब जो अगर यूवी बी को 100% मानो तो बी वाला का 95% ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है, 5% बी आता है और पूरा पूरी ए आता है। सी तो आईबे नहीं करता है, ए पूरा पूरी आता है, बी 95% एब्जॉर्ब हो जाता है, 5% आता है। तो सबसे हानिकारक है, लेकिन एक बात याद रखना, सी भले नहीं आता है लेकिन ये सबसे हानिकारक है। अब क्यों हानिकारक है? क्योंकि जब वेल्डिंग होती है ना, तो वेल्डिंग में देखना बहुत इंटेंस लाइट निकलता है, बहुत मतलब कि प्रबल लाइट निकलता है, बहुत तेज लाइट निकलता है, और वहां पर भी अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन निकलता है, इसीलिए वेल्डिंग जहां होती हो वहां नहीं खड़ा होना। ये बहुत हानिकारक होता है, कैंसर कॉज करता है, बी सी ए तीनों हानिकारक है, लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक है सी, लेकिन ये आता नहीं है लेकिन वेल्डिंग में निकलता है। बी और ए में ए कंप्लीटली आता है, बी 95% ओजोन से ब्लॉक होता है, 5% ही आता है। तो हानिकारक का लेवल अगर बोले तो सबसे हानिकारक सी, उससे कम हानिकारक बी और सबसे कम हानिकारक ए। एक बात अगर पूछे स्किन में कौन कितना अंदर तक जाता है, ये पूछे कि त्वचा में कौन ज्यादा गहराई तक प्रवेश करता है, स्किन में पेनेट्रेटिंग पावर यानी भेदने की क्षमता किसकी है, भेदने की क्षमता सबसे अधिक किसमें है, त्वचा में भेदने की क्षमता सबसे कम किस, सबसे अधिक किसमें है, तो याद रखना सबसे अंदर तक पहुंचता है ए, उससे कम गहराई तक पहुंचता है बी और सबसे कम गहराई तक पहुंचता है सी। त्वचा में भेजने की क्षमता और हानिकारक किरणों का प्रभाव एक दूसरे के उल्टा है, ए सबसे अंदर तक जाएगा, बी उससे कुछ कम अंदर तक और सी सबसे कम अंदर तक जाएगा। लेकिन अगर फिर ये क्वेश्चन पूछे कि सूर्य की किरणों में किसके कारण मनुष्य को कैंसर होता है, सूर्य की किरणों में कौन सा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मानव के कैंसर का कारण है, तो आप देना आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये बी मनुष्य में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, याद रखना यह है कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी है। सी तो आता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा सूर्य की किरणों में, और सूर्य की किरणों से सी जो होता है वो तो ओजोन से एब्जॉर्ब हो जाता है, तब तो आने वाला बी ही है और बी ही कैंसर का कारण होता है। तो अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी है, आंसर हो गया हम लोग का, आंसर होगा यहां पर अल्ट्रावायलेट सी, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा हानिकारक सी, उससे कम बी, उससे कम ए। सी आता नहीं है सूर्य से क्योंकि ओजोन द्वारा ब्लॉक होता है, बी 5% आता है, ए 100% आता है। स्किन में भेदने की क्षमता अगर पूछ देगा, सबसे ज्यादा ए में भेदने की क्षमता है, सबसे कम सी में। अगर पूछेगा सूर्य की किरणों में किस अल्ट्रावायलेट के कारण कैंसर होता है, आंसर दोगे अल्ट्रावायलेट बी। एक क्वेश्चन, कई इसके व्याख्या और कई तरह के क्वेश्चन इसमें अराइज होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, कौन सा बिल्कुल नहीं आता है,
कह देना सी नहीं आता, क्यों नहीं आता कहना, कहना ओजोन परत द्वारा ब्लॉक होता है। याद रखना सबसे ज्यादा एनर्जी सी की होती है, याद रखना इसका होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसका लेमडा, लेमडा मतलब वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य है लेमडा सी का सबसे कम होता है और ए का लेमडा जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए कई क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं हो सके तो नोट कर लीजिएगा या वीडियो पॉज करके ये सारा चीज को लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर चार देखें क्या है। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मतलब आप जानते होंगे और खुश हो गए होंगे क्वेश्चन को देखकर। एक व्यक्ति के चश्मे की क्षमता 0.75 डायोप्टर है, व्यक्ति ने पहना है कैसा लेंस। अब देखो लेंस को पहचानने के लिए आपको बस सिंपल सी दो बातें याद रखनी है, आदमी में चार प्रकार के दृष्टि दोष के निवारण चार प्रकार के लेंसों से किए जाते हैं। पहला, अगर दूर का देखने में दिक्कत हो तो निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर का देखने में दिक्कत है तो निकट दृष्टि दोष हुआ, अवतल लेंस लगेगा पावर नेगेटिव होगा, अवतल लेंस लगेगा पावर नेगेटिव होगा, जरूरत होगा लिख लीजिएगा। पास का देखने में दिक्कत हुआ तो दूर दृष्टि दोष हुआ, उत्तल लेंस लगेगा पावर पॉजिटिव हुआ, पावर पॉजिटिव हुआ। तो देखो अगर निकट दृष्टि दोष है, अगर निकट दृष्टि दोष है, ध्यान दीजिएगा निकट दृष्टि दोष, निकट, अब हम दृष्टि दोष को शॉर्ट में लिख देते हैं यार, इतना कैसे लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष है तो इसके लिए निवारण है कनकेव, कनकेव का हिंदी अवतल, अवतल का मतलब होता है जो फैलाता है यहां पर, ये कनकेव यहां पर कनकेव लेंस फैलाता है, इसीलिए इसको कहते हैं अपसारी, हिंदी में इसको कहेंगे याद रखना अपसारी, और इसका जो पावर होता है वो याद रखना होता है नेगेटिव। दूसरा इसके जस्ट उल्टा अब आप लिख लीजिएगा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसमें लेंस लगेगा याद रखना उत्तल, उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स, अगर लेंस है तो फिर वो अभिसारी है। देखो दर्पण में उल्टा हो जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत लोग दम शॉर्ट में याद रख लेता है कनकेव अपसारी होता है कन्वेक्स अभिसारी होता है, ना दर्पण और लेंस में उल्टा पुल्टा होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस अभिसारी, इसका जस्ट उल्टा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस अपसारी, उत्तल दर्पण अवतल लेंस अपसारी। अब देखो यहां पर लेंस है तो कन्वेक्स अभिसारी और इसका पावर होता है पॉजिटिव। अगर दोनों प्रकार का दृष्टि दोष है, निकट भी है दूर भी है, तो उसमें प्लस और माइनस दोनों होगा, उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष इंग्लिश में प्रेस बायोपिया, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर यूज होता है, तो लेंस को कहते हैं बाइफोकल, द्विफोकसी और अबिंदुकता, एस्टिगमैटिज्म, जिसमें कॉर्निया या लेंस की वक्रता ठीक नहीं रहती है, अनियमित होती है, और उसके निवारण के लिए, वक्रता अनियमित होने से उसके निवारण के लिए होता है बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस। काम की बात, चश्मे की क्षमता है 0.75 डायोप्टर और आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इतना तो आप जानते ही हैं कि आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस, और प्लस का मतलब अभिसारी, और अभिसारी का मतलब कॉन्वेक्स, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा आदमी को कौन सा दोष था तो बोलना दूर दृष्टि दोष था, कौन सा था, दूर दृष्टि दोष था, मतलब उसको पास देखने में दिक्कत था, मतलब कि मोबाइल में टाइम देखने में दिक्कत हो रहा था, किताब पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, ये सारी दिक्कतें उसके साथ आ रही थी। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अब आ जाइए, उम्मीद है आप लोग को डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा, अगर आ रहा है अच्छा लग रहा है, अच्छा कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग पांच पर, किसी क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, बहुत कुछ सीखने आप जा रहे हैं और आपके एग्जाम की तैयारी हम
विश्वास रखते हैं, हम आशा दिलाते हैं आपको, और आपको भी शायद आशा विश्वास हो रहा होगा कि ये तैयारी आपकी बहुत सही तरीके से जा रही है, और आपको लग रहा होगा अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि नहीं अब अच्छी तरह से रिविजन हो रहा है। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोल रहे थे, वो तो बोले नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। किसी छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक किस पर निर्भर करता है? देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर पदार्थ के प्रकृति पर करता है। ऊष्मा चालकता गुणांक का मतलब ऊष्मा का चालन वो कितना जल्दी जल्दी कर सकता है। जैसे धातु है तो जल्दी जल्दी करेगा, अधातु है लकड़ी है, मान लीजिए धातु का और भी एग्जाम्पल है, लकड़ी तो नहीं है, लकड़ी को चालक है ऊष्मा का, लेकिन अगर लकड़ी है तो वो ऊष्मा का चालन क्या करेगा, बहुत धीरे धीरे करेगा। तो ऐसी स्थिति में या नहीं करेगा, तो जो जो नहीं कर रहा है वो ऊष्मा चालकता गुणांक उसका बहुत बहुत निम्न है। तो याद रखिए जिस पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक उच्च होता है वो ऊष्मा का चालन जल्दी जल्दी करता है, जैसे धातु। जिसका बहुत 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 निम्न होता है वो ऊष्मा का कुचालक हो जाता है, वो बहुत माने कि वो लगभग मान के चलिए कि ऊष्मा का कंडक्शन या चालन करता ही नहीं है। और ये डिपेंड करता है लोहा का, लकड़ी का, पत्थर का, सबका है ना, सोना का, चांदी का, कागज का, सबका अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है छड़ के पदार्थ पर। आंसर हो जाएगा पांच का ऑप्शन नंबर ए। अब बहुत लोग क्या कर रहा था ना कि इस क्वेश्चन को जब देख रहा था तो फॉर्मूला उसके दिमाग में आ रहा था कि कहीं उस पर तो नहीं बन जाएगा। अरे फॉर्मूला कोई थोड़ी ना, जो फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है वो फॉर्मूला क्या था एक बार हम लिख देते हैं, बाद में थोड़ा इसको सोचना कि क्यों ऐसा सोचा। तो क्यू बाई टी बराबर के ए, ये बहुत लोग दिमाग में इस फॉर्मूला के साथ सवाल बनाने का सवाल प्रयास कर रहा था, इसको देख लीजिए या इसको, ठीक है चलो। अब कहता है कि ये फॉर्मूला सर आप कभी पढ़ाए थे, हम लोग को कॉपी में याद आ रहा था, तो ये के ऊष्मा चालकता गुणांक है। ये क्या कहता है मालूम है, इस फॉर्मूला के हिसाब से अब थ्योरी थोड़ा सा समझाते हैं कि मान लो कि ये एक छड़ है, और छड़ का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी जिसको आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हो ए है, ये मोटाई हो गया ये ए, ये एल जो है ना ये लंबाई है एल हो गया, और अगर इस सिरे का तापमान मान लो थीटा वन है और इस सिरे का तापमान मान लो थीटा टू है, तो तापमान में अंतर हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू, तो ऊष्मा प्रवाह की दर मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्यू समय में कितना हीट फ्लो होगा, कितना समय में बोल रहे हैं टी समय में, यहां पर टी समय में कितना हीट फ्लो होगा, इस क्रॉस सेक्शन से टी समय में कितना ऊष्मा प्रवाह होगा, यानी ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, क्यू बाई टी क्या होगा, वो इस फॉर्मूला से निकलता है। और के यहां पर जो है ना वो है आपका ऊष्मा चालकता गुणांक, इसको कहते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये अल्युमिनियम का अलग, कॉपर का अलग, वुड का अलग, सबका अलग अलग। लेकिन याद रखना तो ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन था छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक किस पर निर्भर करता है, आंसर हो जाएगा छड़ के पदार्थ पर। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन ही था है ना, क्योंकि थोड़ा ये सब ऑप्शन दे करके दिमाग को थोड़ा मन की डिविएट कर दिया कि अरे इस पहला वाला सिंपल वाला दे दिया, बाकी लंबाई उंबाई लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला भी आ गया, अब क्या करें। तो देखो प्रकृति पर निर्भर करता है, और ये ऊष्मा प्रवाह की दर को ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि क्रॉस सेक्शन एरिया से टी समय में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, टी समय में कितनी ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, ये ऊष्मा प्रवाह की दर को ज्ञात करने का सूत्र होता है बालक। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर है 6। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो लीची तो खाए होंगे, मुजफ्फरपुर का लीची बहुत नामी है, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे मन में एक बात जरूर आता है कि आपको कम से कम इतना जरूर करना है कि जो बने ट्रेंड वाले क्वेश्चन हैं, मतलब जो अक्सर आते रहते हैं, अरे यार कम से कम वो क्वेश्चन गलत मत करो। देखिए हम मानते हैं कि पूरा एग्जाम में सब क्वेश्चन बनाने वाला नहीं होता, लेकिन हम क्या कहते हैं बार बार एक ही बात विद्यार्थी को कि देखो रिजल्ट के लिए भारी क्वेश्चन हो सकता है कि एक आध वो नहीं बनाओ चलेगा, लेकिन अगर जो सब बना रहा है जो हल्का क्वेश्चन है वो तुम भी बनाओ, क्योंकि वो अगर गलत हो गया या वो अगर छोड़ दिया ना तो फिर दिक्कत है। अब ये सब लीची का, आम का है ना, कटहल का, काजू का, अब इस सब का अगर पूछ दे कि खाने वाला भाग सेब का कौन सा होता है, पपीता का कौन सा होता है, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन माने कि कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं छोड़ना, फिर रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। आज ही एक काम करो कि भाई जितना माने कि जो अलग अलग टाइप का चीज आ रहा है ना उसको याद कर लो, उसका एक चार्ट बना लो,
और चार्ट बना करके अपने पास रख लो, उसको एगो को इधर साट दो, घर बेड के बगल में एगो को इधर साट दो, एगो को इधर साट दो। अरे पढ़ाई के लिए एक वातावरण तैयार करो, अगल बगल देखेगा इन्हें इधर का चार्ट है, इन्हें इसका चार्ट है, इन्हें फल का चार्ट है, इन्हें हॉर्मोन का चार्ट है, इन्हें बोन का चार्ट है। तुम्हारे चारों तरफ तो हमेशा पढ़ाई का वातावरण ही दिमाग के आगे चारों तरफ घूमते रहेगा और ऑटोमेटिकली तुम पढ़ना शुरू कर देगा। ये बहुत जरूरी है। जब तक तन से और मन से नहीं लगेंगे ना, तब तक बहुत टफ कंपटीशन है। बार बार समझाते हैं इस बात को। तो लीची का खाने योग्य भाग आज मेरा मान लो रट जाना, जितना फल का खाने होने वाला भाग होता है ना वो सब रट जाना है। तो लीची का खाने वाला भाग तो जानता है रसदार जो होता है एरिल, है ना, जैसे नींबू में भी एरिल ही होता है, उसी प्रकार से लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये होता है बालक एरिल, आंसर हो जाएगा, है ना। मांसल पुष्पासन, इसका तो वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल सब लोग याद रखता है ना, और ये याद रखता है एप्पल, एप्पल जो होता है उसका थैलेमस खाने वाला भाग होता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद अगर कोई पूछता है कि मध्य फल भित्ति खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो इसके लिए भी अभी मौसम आ ही रहा है तो मैंगो आम इसका भी याद है, और बीज पत्र जो है सीड लीफ इसको याद रखना है, तो कैशो नट या काजू, है ना, ये याद रखो। लेकिन सलाह नहीं है, रिक्वेस्ट है भाई, कम से कम याद कर लेना जी, गड़बड़ाना नहीं। ये सब क्वेश्चन छोटका छोटका क्वेश्चन है, बोलना क्या अरे सर याद तो हो ही ना जाएगा, अरे अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ये भी बात समझ लो, फिर क्या होगा। तो चलिए इतना बात तो हो गया, लीची का खाने वाला भाग हो गया कौन सा, एरिल हो गया, रेशेदार जो रेशा होता है वही खाने वाला इसका भाग होता है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 7, कूलाम में 1 फैराडे का मान कितना होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहला बात देख लो कि फैराडे जो होता है ना, फैराडे ये होता है चार्ज का मात्रक, चार्ज का मतलब किसका होता है, आवेश का मात्रक, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि फैराडे किसका मात्रक है, क्योंकि इसका माने कि मिलता जुलता टर्म होता है फैराड, अगर फैराड पूछ दिया तो धारिता का, ये है फैराडे, फैराडे होता है मात्रक किसका, आवेश का यानी चार्ज का। और 1 फैराडे जो होता है ना वो 96,500 कूलम होता है, आंसर हो गया ये, 1 फैराडे 96,500 कूलम। इसका एक परिभाषा बोल रहा हम बोल रहे हैं, आप वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं बहुत अच्छा परिभाषा है, क्या है, 1 फैराडे सुन लीजिएगा, 1 फैराडे अर्थात 96,500 कूलम, 1 फैराडे अर्थात 96,500 कूलम आवेश की वह मात्रा है, आवेश की वह मात्रा है जो किसी धातु के अपघट्य से, आवेश की वह मात्रा है जो किसी धातु के अपघट्य से अगर प्रवाहित कराते हैं तो उसके कैथोड पर, कहां पर बोले, कैथोड पर ग्राम रासायनिक तुल्यांक, उसके कैथोड पर ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर धातु जमा कराएगा, ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर धातु जमा कराएगा। देखो सिंपल सा हम लिख ही देते हैं, उतना क्या करना है, बस कितना याद रखना, 1 फैराडे कैथोड पर, कैथोड पर ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर धातु जमा कराता है, ग्राम रासायनिक तुल्यांक के, कैथोड पर ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर धातु जमा कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धातु जमा कराता है, तो ये डेफिनेशन भी याद रहना चाहिए, क्योंकि मान लो आज ठीक है पूछ दिया 1 फराडे बराबर 96,500 कूलम, कल पूछ दे कि अगर किसी धातु के अपघट्य से, कल ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि अगर किसी धातु के अपघट्य से 1 फराडे यानी 96,500 कूलम का आवेश प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर कितना धातु जमा होगा, तो क्या वहां पर क्या करिएगा, ग्राम रासायनिक तुल्यांक। और देखो ग्राम रासायनिक तुल्यांक भी सिंपल है, क्या है, पहले तो रासायनिक तुल्यांक समझ लो, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक का मतलब सीधा सीधी है परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट, यहां पर लिख रहे हैं देख लो एटॉमिक वेट, अब बट्टा में, और बट्टा में एटॉमिक वेट, अब बट्टा में उसका वैलेंसी यानी संयोजकता, परमाणु भार को संयोजकता से भागा दे देना रासायनिक तुल्यांक आ जाएगा, परमाणु भार को संयोजकता से भागा दे देना रासायनिक तुल्यांक आ जाएगा। मान लो कुछ भी आया, मान लो 9 आया तो 9 ग्राम हो गया ग्राम रासायनिक तुल्यांक। चलो तो कूलाम में 1 फैराडे का मान कितना होता है, अगर ये पूछ देता है आपसे तो आप समझ गए कि 96,500 कूलम होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर,
आठ नंबर कहता है कि आदर्श गैस के लिए गामा बराबर सीपी बाई सीबी है, तो कौन सा रिलेशन सही है? ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मत समझना कि ये सब नहीं आएगा, ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। आदर्श गैस के लिए गामा बराबर सीपी बाई सीबी है, तो देखिए सीपी होता है नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, सीपी, पी से प्रेशर, नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, और सीबी होता है नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ये नियत ताप पर, ये नियत दाब पर। देखो गैस में क्या होता है ना कि तापमान जब बढ़ाते हैं तो उसका दाब भी चेंज होता है, आयतन भी चेंज होता है। क्या क्या बोले? तापमान बढ़ाने से, परिवर्तन करने से दाब और आयतन दोनों बदलता है, इसीलिए गैस में दो प्रकार का विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है, एक बार कहते हैं नियत दाब पर, एक बार कहते हैं नियत आयतन पर। नोट करने वाला पॉइंट है, जरूरत पड़े लिख लो कि क्योंकि तापमान में परिवर्तन से गैस का दाब और गैस का आयतन दोनों बदलता है, इसीलिए गैसों में दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है। अब आते हैं इसको, इतना बात तो आप समझिए। अब ये गामा अनुपात है सीपी बटा सीबी का, अब इसको बनाएंगे कैसे? तो सीपी माइनस सीबी बराबर होता है आर, पहला। अब देखिए सीपी माइनस सीबी बराबर आर होता है। अब कुछ सीपी के टर्म में है, कुछ सीबी के टर्म में है, देखते हैं हम अपना किस्मत आजमाते हैं किधर से सही हो जाता है मेरा। अगर इस संबंध को कहा जाता है, याद रखना, मेयर का संबंध। कौन सा संबंध? मेयर्स रिलेशन इसको कहा जाता है, ये भी याद रखना, मेयर का संबंध। कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेयर्स रिलेशन यानी मेयर का संबंध ये है। अब इसमें क्या है ना कि अब आपको रिलेशन बनाना है, तो ये पूरा इक्वेशन को आप क्या करिए कि सीबी से भागा दे दीजिए। अगर सीबी से भागा दे दीजिएगा तो ये सी हो जाएगा सीपी बट्टा में सीबी, अब माइनस सीबी अब बट्टा में सीबी, अब बराबर हो जाएगा आर बट्टा गामा। मन मेरा ऐसे ही किया था करने का, तो सीपी बट्टा सीबी तो यहां पर गामा है, ये माइनस वन बराबर हो जाएगा आर बट्टा गामा। अब देखिए कुछ आता है क्या? ठीक है, गामा सीपी ये हो गया वन माइनस, ये गामा यहाँ पर कैसे आ गया? यहाँ तो गामा नहीं होगा ना, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर तो सी वी होगा, है ना, ये हो गया सी वी। अब देखो तो गामा यहाँ पर भी फिर हटाना पड़ेगा, रुको यार, यहाँ पर इसको भी, और यहां पर हो जाएगा ये आपका सी वी। अब देखो इसको अगर इधर ले आते हैं, यहां से देखो गामा इज इक्वल टू आर बाई सी वी, और इधर माइनस वन को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? प्लस वन। अब देखो तो कोई ऐसा मिलता है क्या? हाँ, तो ये तो मिल गया, वेरी गुड। बी इज इक्वल टू गामा बराबर वन प्लस आर बाई सी वी, और ये हमारा रिलेशन है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो बहुत सिंपल था, ये रिलेशन मालूम होना चाहिए था, सीबी से डिवाइड करना था, आंसर को लाना था, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, सही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। चलिए तो फिर से समझ लीजिए, इस संबंध को कहते हैं मेयर का संबंध। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 9, और 9 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनना है, सही कथन को चुनिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देख लीजिए, अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद से अधिक होती है। देखो आपको मालूम है कि रिएक्शन जब लिखते हैं हम लोग तो रिएक्टेंट इधर लिखते हैं, प्रोडक्ट इधर लिखते हैं, ध्यान से समझना, अभिकारक इधर लिखते हैं और उत्पाद इधर लिखते हैं। अब कहता है कि अगर इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी ऊर्जा अधिक होगी और इसकी ऊर्जा अगर कम होगी, सपोज कर लीजिए जैसा क्वेश्चन में कहता है, तो फिर ये तो क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये तो रिएक्शन बैलेंस, मतलब कि ये तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उल्टा हो गया, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो इसका मतलब इसके तरफ कुछ और हीट ऐड करना पड़ेगा, कुछ और ऊर्जा ऐड करनी पड़ेगी, है ना, और जब इधर में हम ऊर्जा ऐड कर देते हैं इसका मतलब हो गया कि ये कौन सा रिएक्शन हो गया, यहां पर हीट निकल रहा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चुनिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद से अधिक होती है, इधर ऊर्जा ज्यादा है और इधर ऊर्जा कम है। मान लो कि इधर सपोज कर लो, एग्जांपल से समझाते हैं, यहां 100 है, यहां पर 50 है, इसका मतलब 100 में 50 ये यूज कर लिया, बाकी 50 कहां गया? बाकी 50 इसका मतलब रिलीज हो गया, तो पहला इक्वेशन तो सही है। कह रहा है कि ये ऊष्मा क्षेपी हुआ ना, 100 में 50 प्रोडक्ट बनने में यूज हुआ, बाकी का 50 का हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट तो सब पूरा प्रोडक्ट में बन चुका है, बात समझ लो,
रिएक्टेंट पूरा किससे बदल चुका है, प्रोडक्ट में। तो 50 गया कहां भाई, 50 हीट में निकल गया, और ये हीट निकल गया तो उसमें छिपी। वेरी राइट, पहला वाला कदम सही है। दूसरा कहता है देखो कितना अच्छा कंसेप्ट था कि रिएक्टेंट अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के तरफ साइड मान लो 100 था, प्रोडक्ट के तरफ 50 था। अब कहता है कि अभिकारक का ऊर्जा उत्पाद से अधिक है, देखो दिखाया अधिक है तो बाकी बच गया कहां भाई, हीट में ना चला गया 50 इधर। रुद्धोष में प्रक्रिया में आयतन पूरी अभिक्रिया में स्थिर रहता है, नहीं यार ये गलत बात है, रुद्धोष में प्रक्रिया में आयतन नहीं रहता है, क्या रहता है, ऊष्मा। याद रखना रुद्धोष में को इंग्लिश में एडियाबेटिक कहते हैं, एडियाबेटिक में ऊष्मा नियत रहता है, और सम आयतनिक यानी आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है उसमें, आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक प्रोसेस में आयतन नियत रहता है। तो बी ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत हो गया, पहला सही था। तीसरा, किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित का मतलब जिसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, जो है उसके लिए सारा दुनिया वही है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी इसी में लगेगा। आइसोलेटेड सिस्टम को सराउंडिंग में परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, और किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, और इसलिए तीन नंबर भी सही है, दो गलत था, एक तीन सही है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, और क्वेश्चन था बिल्कुल दमदार और कंसेप्चुअल। चलिए तो फिर आ जाइए ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है इसमें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर है 10। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके आगे गिरता है तो क्या करेंगे। देखो एक बात हम समझते हैं कि तुम ऐसा सोचना ना कि ये क्वेश्चन तुम ही पर लागू हो रहा है, सिक्का छोड़ दो ना, आदमी पर लागू हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर गाड़ी पे ब्रेक मारते हैं तो आदमी किधर गिरता है, आगे। बात समझना, गाड़ी में ब्रेक मारेंगे तो आदमी किधर गिरता है, आगे, इसका मतलब ब्रेक मारने पर सिक्का आगे गिरेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अगर ब्रेक नहीं मारे, गाड़ी को एक्सलरेट कर दे तो किधर गिरता है, पीछे, तो इसका मतलब है अगर गाड़ी मंदन में है तो गिरेगा पीछे। देखो बस अपने आप को सोच के बनाना, और अगर समान वेग से चलते रहेगा तो साथ साथ चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो कहां रहेगा, हाथ में। तो तीन कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन लिखा हुआ है, अगर समान त्वरण से चल रही है तो हाथ में गिरेगा, अपने आप को सोचो सिक्का, अगर तुम समान वेग से चल रहे हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर मंदन लग गया, ब्रेक लग गया, तुम किधर गिरोगे, पीछे, इसका मतलब अगर मंदन से चलेगा तो सिक्का कि मंदन होगा, ब्रेक लगेगा तो आगे गिरोगे, तो किधर सिक्का गिरेगा, आगे, और अगर एक समान त्वरण हो गया, नहीं ये सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक समान त्वरण से चलती है तो अगर मान लो गाड़ी अचानक कोई एक्सलरेट कर देता है तो किधर गिरता है, पीछे, है ना, अचानक स्टार्ट हो गया, तो यहां पर इसमें हो जाएगा पीछे, ध्यान से देखना बोलने में थोड़ा सा मिस हुआ, एक समान मंदन से चल रही है तो फिर किधर हो गया, आगे, और अगर एक समान वेग से चल रही है, चाल नहीं बोलना है, वेग बोलना है, तो वेग से चल रही है तो गिरेगा हाथ में, ठीक है। तीन कंडीशन है, अपने आप को सिक्का सोच के देखना, अगर ब्रेक मार दिया तो तुम किधर गिरेगा, आगे, सिक्का गिरेगा आगे, मंदन में, ब्रेक मारना मंदन होता है, अगर समान वेग से चल रही है तो फिर कोई कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली चलो, हाथ में गिरेगा, और अगर गाड़ी को अचानक कोई एक्सलरेट कर देता है तो आदमी पीछे गिर जाता है, यानी कि अगर त्वरण में है तो पीछे। चलो यही क्वेश्चन था, और ये भी अच्छा ही क्वेश्चन था, एक से बहुत सारा क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। देखो इंडोल एसिटिक अम्ल ये ऑक्सिन का दूसरा नाम होता है, ऑक्सिन मालूम है आपको, सेल इलोंगेशन, कोशिका विभाजन, है ना, सॉरी कोशिका दीर्घन में मदद करता है, यानी कि स्टेम का ग्रोथ को खासकर ये मदद करता है, स्टेम यानी कि जो तना होता है उसके वृद्धि में बहुत सहायक होता है, और ये इंडोल एसिटिक एसिड है। इंडोल एसिटिक एसिड किसका दूसरा नाम है, ऑक्सिन का, याद रखना ये ऑक्सिन का दूसरा नाम है, और इसी इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सिन का एक और नाम है, ये भी याद रखोगे, और ये है नेप्थेलीन, ठीक है, एसिटिक एसिड, नेप्थेलीन एसिटिक एसिड, लेकिन ये कृत्रिम ऑक्सिन होता है, याद रखना, कैसा ऑक्सिन, कृत्रिम, नेप्थेलीन एसिटिक एसिड कृत्रिम ऑक्सिन है, ये इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल ऑक्सिन है, और ये स्टेम के वृद्धि में सहायक है, यानी कि तना के वृद्धि में सहायक होता है। चलिए एंजाइम तो है नहीं, कवक नाशक तो है नहीं, अमीनो अम्ल भी नहीं है, याद रखिएगा, ऐसे ये जो
ऑक्सिन होता है, ये माने कि गेहूं और मकई का खेत में जो होता है वो खरपतवार नाशी यानी वीडिसाइड का भी काम करता है। खरपतवार नाशी यानी वीडिसाइड को भी किल करने का, उनको मारने का काम करता है कौन? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का याद रखिए दो नाम होता है, अगर प्राकृतिक ऑक्सिन है तो इंडोल एसेटिक एसिड, कृत्रिम है तो नेप्थलीन एसेटिक एसिड, और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है NAA, और इसको इंडोल एसेटिक एसिड को कभी कभी शॉर्ट में लिख के देता है आपको IAA। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन था। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 12। निम्नलिखित में से कौन सा तापक्रम में परिवर्तन करने पर प्रभावित होता है? ध्यान से देखिएगा, कल बताए थे पहले वाला टेस्ट का डिस्कशन अगर याद होगा तो, मोलरता निकालना कैसे पड़ता है, एन, एन का मतलब समझना नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तुमको फॉर्मूला लिखना है तुम लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। विलेय के मोल की संख्या लिखते जाना है तो लिखते चल जाना स्टॉप करके, विलेय के मोल की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो अगर तापक्रम में परिवर्तन करेंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा मोलरता परिवर्तन होगा, यानी तापमान से मोलरता बदलती है, तापमान से मोलरता बदलती है। मोलरता होता है नंबर ऑफ मोल्स विलेय की, विलेय की मोल की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, किसका बोल रहे हैं, विलयन का नहीं, विलायक, विलायक मतलब सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब देखो तापमान बदलने से द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, मोल में भी मात्रा से ही निकलता है, ग्राम से ही निकलता है यानी वजन से ही निकलता है, वो भी नहीं लगता, इसीलिए मोलरता नहीं बदलती है। नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलता निकालने के लिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, याद रखना विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन लीटर, ग्राम तुल्यांक किसका, विलेय का, याद रखोगे, अब बट्टा विलयन का आयतन लीटर में। यहां सिर्फ विलायक का द्रव्यमान, विलयन नहीं बोल रहे, देख लो विलायक का द्रव्यमान के जी में, यहां विलयन का आयतन लीटर में। अब यहां पर भी तापमान से आयतन बदलेगा, इसीलिए मोलरता भी बदलेगी, नॉर्मलता भी बदलेगी, और इसलिए आंसर होगा ए और सी दोनों। तब अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा इन तीनों में अगर दे दे कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की सर्वोत्तम माने यूनिट है या तरीका है, किस विधि से विलयन का सांद्रण सर्वोत्तम तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, आंसर बिंदास देना मोलरता बेस्ट होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बतलाने का, विलयन का सांद्रण बतलाने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 13, क्वेश्चन नंबर हो गया 13। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, 13 कहता है कि यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, 1985 में 5 फीट, सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है, यानी एक साल में 4 इंच, 85 से लेकर 98 हुआ मोटा मोटी 13 साल, 4 इंच का मतलब हो गया 13, एक मिनट, यह हो गया 13 साल में 4 इंच बढ़ा, मतलब कितना फिट बढ़ा, तो इसको 12 से भागा दे देना, अब पहले था कितना 5, तो 5 पहले वाला, अब प्लस बढ़ा 13 साल में 4/12 के हिसाब से, तो ये 4 × 3 = 12 और ये मोटा मोटी 3 × 4 = 12, 4.33 हो जाएगा, तो आंसर तो सिंपल है, ये तो माने कि बचा वाला क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया 9 फीट, बात खत्म, सिंपल था, 13 साल में देख लो कितना बढ़ता है, प्रति साल 4 इंच बढ़ता है, इसमें तो कुछ था नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 14 नंबर, कहता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने के निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए, N2+3H2 gives 2NH3। तो कहता है कि नाइट्रोजन के 100 अणुओं से अभिक्रिया करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, क्या यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लो, N2+3H2 दिया कितना जी 2NH3, अच्छा है, अब बोल रहा है कि 100 अणु को चाहिए कितना, तो देखो तो एक अणु को कितना चाहिए, ये तो यहीं से पल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, एक अणु को कितना चाहिए 3, तो एक अणु को 3 चाहिए, तो कितना बोल रहा है 100 अणुओं से अभिक्रिया करने के लिए, नाइट्रोजन के 100 अणुओं को अभिक्रिया करने के लिए कितने हाइड्रोजन अणुओं की जरूरत है, हमको क्या निकालना है, हाइड्रोजन का अणु, तो देखो एक को चाहिए 3, तो 100 को चाहिए कितना, इतना तो मैथ आता होगा, एक को चाहिए 3, तो 100 को चाहिए कितना 300,
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया, एक अणु नाइट्रोजन को तीन चाहिए, 100 को चाहिए 300, और यह हो गया क्वेश्चन खत्म। देख लेना वीडियो स्टॉप करके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, है ना, डाटा भी तुम लोग बचा कर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचायक की तरह कार्य करेगा, ध्यान देना, पूछ रहा है कौन उपचायक की तरह काम करेगा, कैसे पकड़ोगे। देखो उपचायक और अपचायक, अपचायक का इंग्लिश होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और उपचायक का इंग्लिश होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे समझ लो, अवकारक ऑक्सीकारक। अब एक बात याद रखना, जो परमाणु मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर दिखाए, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर यानी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाए, वह हमेशा केवल और केवल अवकारक का ही काम कर सकता है, यह याद रखना, अवकारक का ही काम कर सकता है अगर न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाया तो, और अगर वो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाए, याद रखना, तो वो फिर काम कर सकता है केवल और केवल ऑक्सीकारक का। ये केवल और केवल कंडीशन है, केवल याद रखना, ऑक्सीकारक केवल, और ये हो गया केवल, मतलब न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या तो केवल अवकारक, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तो केवल ऑक्सीकारक। अब इसमें देखो तीन ऑप्शन, देखो इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, H +1 होता है उधर जाएगा -1, इसमें सल्फर -2 है, इसमें ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ तो, -2 गुना 2 कितना होगा -4, सल्फर का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4। अब देखो कैसे निकाले, हाइड्रोजन का याद रखना अधातु के साथ +1, हाइड्रोजन का अधातु के साथ +1, अब ये और इधर आ गया HI में +1 प्लस I का बराबर 0, तो हाइड्रोजन का हो गया +1, उधर आ गया तो -1, इसमें देखो -2 और इसी प्रकार इसमें +4। अब देखो सल्फर का मिनिमम जो होता है ना वो होता है -2, और मैक्सिमम जो होता है ना वो होता है +6, ये याद रखना, और ये वाला 4 बीच में है, ऑक्सीकार माने इसका बढ़ भी सकता है 6 तक, +4 वाला का बढ़ सकता है कहां तक 6 तक, घट सकता है कहां तक -2 तक, तो ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का काम करेगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से इसको, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस और प्लस के माने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम और अधिकतम के बीच में है, वो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का कार्य करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है। देखो कोशिका सिद्धांत तुमको मालूम है, कौन दिया था, स्लेडिन और स्वान, नाम लिख लेना, कोशिका सिद्धांत स्लेडिन और स्वान का है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूगो डी ब्राइज का है। उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन मतलब अचानक अगर किसी जीव में परिवर्तन हो गया। अनुवंशिकता का नियम ग्रेगर जोहान मेंडल का है, और आंसर हो गया सी। और उपार्जित लक्षणों का वंशागति का नियम जो है ये लामार्क का है। तो कोशिका सिद्धांत स्लेडिन स्वान, उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी ब्राइट, अनुवंशिकता का नियम मेंडल, और उपार्जित लक्षणों की वंशागति लामार्क का दिया हुआ है, देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसको। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर सभी रंगों के लिए समान होता है, लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है, नीले रंग की अपेक्षा लाल रंग के लिए कम होता है कि पीले रंग के लिए अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, हम बताए हैं कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल रंग का। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैंगनी का, सबसे कम अपवर्तनांक लाल का, इसीलिए जब प्रकाश को आप गुजारिएगा लेंस से तो सबसे कम मुड़ेगा, क्योंकि सबसे कम अपवर्तनांक है लाल वाला, और सबसे ज्यादा मुड़ेगा कौन वाला, बैंगनी वाला, तो बैंगनी रहेगा यहां लाल रहेगा यहां, तो बोलो सबसे ज्यादा कौन मुड़ा, बैंगनी, तो बैंगनी का कम, सबसे कम कौन मुड़ा, लाल, लाल का ज्यादा, तो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो गया, बी, क्यों, क्योंकि लाल का अपवर्तनांक कम है तो कम मुड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर है 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है रिनायनों में SO2- H2O4- H2O6- में
सल्फर के उपचयन अवस्थाओं को आपको लिखना है। देखिए लिखना बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो तो, देखो लिख देते हैं SO3 2-। सल्फर का निकालना है तो मान लो एक्स। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है 3। ऑक्सीजन का सामान्यतः कितना होता है -2, और उस पर चार्ज कितना है देखो तो -2 हो जाएगा। यहां से यहां पर तुम निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा -6, इधर आ जाएगा +6 और -2 4 हो गया। दूसरा आ जाओ S2O4 2-। देखो कैसे निकलेगा, सल्फर का 2 परमाणु तो 2x, ऑक्सीजन का 4 परमाणु गुने -2 और बराबर टोटल चार्ज कितना है जी ऊपर में देखो -2, कितना हो जाएगा -8 इधर आएगा +8, +8 में 2 गया 6 तो x का मान कितना हो गया 3, ये +3 हो गया। तीसरा वाला जो S2O6 2-, इसका निकालो तो उसी प्रकार 2x 6 × -2 बराबर कितना 0। अब देखो यहां पर करोगे तो -12 इधर आ जाएगा कितना है सॉरी -2 है ना, इसको -2 कर दो -2 तो -12 इधर आ गया तो +12 2 10 तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया +5। देखो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है S2O6 देखो, और उसके बाद SO3 2-। देखो तो कहां पर चला गया ऑप्शन S2O6 S2O4 2-, और SO3 तो दूसरा में SO3 2- होना चाहिए था ना। पहला कौन सा है, सबसे ज्यादा S2O6 S2O6 इसमें है, इस दोनों तो होगा नहीं, इसके बाद SO3 2- वाला ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो बात क्लियर हो गया, देख लेना वीडियो पॉज करके, पसंद आ जाएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा देना और खुद भी कर लेना। चलो अगला वीडियो का फिर इंतजार भी करना है तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए। आपको मालूम है कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, कोशिका सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक था स्लाइडर और स्वान, है ना। तो 2 नंबर और 4 नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी। पाश्चर तो जानते हो ना, बहुत सारा काम किया जैसे रेबीज का इंजेक्शन बनाया है ना। दूसरा पाश्चर जो है वो दूध को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका बताया, पाश्चराइजेशन तकनीक, जिसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तक 15 सेकंड के लिए या फिर 62 डिग्री सेल्सियस से तक गर्म करके 30 मिनट तक गर्म किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर, तो पाश्चराइजेशन का। और रॉबर्ट हुक तो जानते हो, सबसे पहले शायद कोशिका यही खोजा था, रॉबर्ट हुक साहब ही थे, है ना। तो ये रॉबर्ट हुक के बारे में भी जानते हैं, आंसर हो गया 2 और 4। और आ जाइए लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, और 20 नंबर कहता है किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत सामर्थ्य क्या होगा। तो देखो सामर्थ्य यानी पावर, अगर मान लो कि कोई रेजिस्टेंस है आर और इससे आई करंट आप प्रवाहित कर रहे हैं और ये वी वोल्टेज इससे गुजर रहा है, तो इसका पावर निकालने का 3 फॉर्मूला, एक आई स्क्वायर आर, दूसरा वी स्क्वायर बाई आर और तीसरा वी आई, ये 3 फॉर्मूला होता है ना, ये 3 फॉर्मूला होता है। ये तीनों फॉर्मूला को आप ध्यान दे दीजिएगा, किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सामर्थ्य कितना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर, है ना। 3 फॉर्मूला लिख लिया ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, और आई स्क्वायर आर किसमें है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए कल से कल तक के फिर कल नया वाला वीडियो में मिलते हैं।